बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। आदर्श नेता के जन्मदिन के पूर्व संध्या पर सद्भावना दिवस उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद के सग्रामगढ़ निवासी दिग्गज कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी के जन्मदिन के पूर्व संध्या पर रामपुर खास विधानसभा क्षेत्र के लालगंज हेमोती नंदन बहुगड़ा पीजी कॉलेज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा सद्भावना सभा का आयोजन कर बड़े ही धूमधाम से मनाया गया जन्मदिवस कार्यक्रम। कार्यक्रम की शुरुआत दीपक सिंह सदस्य विधान परिषद उत्तर प्रदेश, पंडित श्याम किशोर शुक्ल शिक्षक विधायक उमेश द्विवेदी, रामपुर खास की विधायक आराधना मिश्रा मोना सहित विभिन्न अतिथियों ने मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित करके किया। इसके पश्चात विभिन्न अतिथियों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत करते हुए कांग्रेस के उभरते महानायक प्रमोद तिवारी के जन्मदिन के पूर्व संध्या पर शुभकामनाएं दी। इस दौरान राम मिलन तिवारी, भगवती प्रसाद तिवारी, पूजा प्रमुख रामपुर सग्रामगढ़, अंशुमान तिवारी, जिलाध्यक्ष नरसिंह मिश्रा, प्रीतेंद्र ओझा, कपिल द्विवेदी, विकास मिश्रा, आशीष उपाध्याय, पप्पू संजीत तिवारी, शैलेंद्र मिश्र, सुरेंद्र सिंह ब्लॉक कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व सांसद राजकुमारी रत्ना सिंह व संयोजन ज्ञान प्रकाश शुक्ल ने किया। प्रतापगढ़ से शिवाकांत द्विवेदी की रिपोर्ट। इस क्षेत्र के कई लोगों को मुझे दिया, हजारों लोगों ने दिया है, इसमें मुझे कहने में गर्व आ रहा है। ऐसे क्षेत्र लोग नौजवान साथियों को हमेशा मिला है। एक बात जरूर हम कहना चाहते हैं कि आप लोगों से हमको लोगों को बड़ी ईर्ष्या होती है कि जब प्रमोद तिवारी जी हिंदुस्तान की राजनीति में नरेंद्र मोदी के झूठ पर बोलते हैं तो हम प्रतापगढ़ के लोगों को जलन होती है कि ये रामपुर खास बोल रहा है, ये प्रमोद तिवारी नहीं बोल रहे। जब प्रमोद तिवारी जी बोलते हैं सत्य की राजनीति अगर हिंदुस्तान में कोई करता है तो हमारे जनपद प्रतापगढ़ के नेता, हम सबके नेता माननीय प्रमोद तिवारी जी करते हैं। लेकिन झूठ की राजनीति अगर कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। नरेंद्र मोदी जी का जवाब अगर हिंदुस्तान में कोई भी आज दे रहा है, चाहे चैनल उठा के देख लीजिए, चाहे प्रेस के माध्यम से देख लीजिए, प्रिंट मीडिया के, तो सिर्फ एक नाम आता है प्रमोद तिवारी जी। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, आज भी अमर उजाला उठा के आप देख लीजिए, नरेंद्र मोदी जी का अगर जवाब किसी ने हिंदुस्तान में दिया है तो माननीय हम है। मैंने कई सारे मंचों पर, कई सारे चैनलों पर इस बात को कहा है, हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा भारतीय जनता पार्टी का नेता हो या किसी पार्टी का नेता हो, अगर सांसद रहा हो वो अमेठी के विकास से मुकाबला कर ले, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अगर दूसरा मुकाम रामपुर खास का भी आता है, ऐसे कोई 9-10 बार विधायक नहीं रहता है। मैं आज इस बात को दावे से कहता हूं, इस हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के इतिहास में जिस तरह से अपनी विधानसभा को आदरणीय प्रमोद जी ने समझाया है, शायद ही कोई ऐसा विधायक होगा देश का उसने अपनी विधानसभा के लिए इतना काम किया होगा। पाड़े जी वहां उसने क्या हुआ, वहां के लिए कहा था वो क्या हुआ, फला व्यक्ति के लिए काम के लिए कहा था क्या हुआ। तो निश्चित रूप से मैं एक बात कहूंगा, वो बात दोनों पर लागू होती है, बहुत दीपन हुई और रामपुर खास वालों के लिए भी, क्योंकि इस बात कि दोनों लोग कहानी लेते हैं, रामपुर के लोग भी और प्रमोद तिवारी भी। वक्त मुश्किल में हो तो मुस्कुराते हुए चल देते हैं, वक्त मुश्किल में हो तो मुस्कुराते हुए चल देते हैं, राहे दुश्वार को पैरों से मसल देते हैं, उस दिलों को बदल देता है जमाना हरदम, बहादुर वो होते हैं जो जमाने को बदल देते हैं। निश्चित इतिहास लिखा है तो रामपुर खास वालों के बदौलत इतिहास लिखा है। बड़े बड़े आंधी तूफान आए, अभी उमेश भाई कह रहे थे कि बड़े बड़े ऐसे सूरमा पैदा करना मुश्किल होता है, कि आज किस पार्टी में है और कल किस पार्टी में होंगे, बहुत बड़ी बात होती है। एक ही पार्टी में रहकर बुलंदियों को छूना, एक ही असूल पर रहकर बुलंदियों को छूना, एक ही सिद्धांत पर चलकर असूल को छूना, एक ही पार्टी के नेतृत्व को मानकर बुलंदियों को छूना, अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। भाई उज्जवल शुक्ला जी, कपिल द्विवेदी जी हुए रामपुर के, हमारे समस्त
कार्यकर्ता पदाधिकारी मैं ब्लॉक अध्यक्ष अशोक सिंह आज पूर्व संध्या में है। हिंदुस्तान में ये रामपुर खास के जो हमारे कार्यकर्ता यहाँ के लोग बैठे हैं, इनके बदौलत, इनके आशीर्वाद, इनके सहयोग से आज वो ग्रीन इज बुक ऑफ द वर्ल्ड बन का नाम आता है। माननीय प्रमोद तिवारी के जन्म दिवस को हम लोग सद्भावना के दिवस सद्भावना दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ऐसा देखिए, ये मेरे ख्याल से उस हर सद्भाव को मानने वाले व्यक्ति पर लागू होता है। प्रमोद तिवारी के सद्भाव की विशाल है, कांग्रेस पार्टी से प्रेरित की सद्भाव भी मनाते हैं। आजकल तो लोग तोड़ने का, जोड़ने का, दंगा फैलाने का दिवस मनाते हैं। प्रमोद तिवारी की कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में पहचान रहे हैं, पहचान है, और सद्भावना दिवस जो होता है सद्भाव का परिचायक होता है। इसके सर नेताजी जो है प्रमोद तिवारी जी, अभी सीट उनकी खाली चल रही है, क्या सांसद के लिए प्रतापगढ़ से चुनाव लड़ेंगे, उनको टिकट मिलेगी? खुद उसका जवाब दे चुके हैं, उनसे पूछ लीजिए ना, उसका जवाब खुद बहुत पहले दे चुके, 6 महीने पहले रिजल्ट आया है उनकी, उसका जवाब स्वयं दे चुके। सर पार्टी विस्तार के बारे में बात करते हैं, जो है आगामी जो वर्ष 2019 का चुनाव होने वाला है उसमें कांग्रेस कुछ नया हथकंडा अपनाएगी सर? विकास देश की जनता ने 2014 में झूठे भाषण, झूठे आश्वासन, झूठे बैनर पर चुनाव हारा। कांग्रेस अपने कार्यों पर नहीं हारी थी। हमारे देश की जनता बड़ी समझदार है और भारत विश्व गुरु रहा है। यहाँ के लोग बहुत रूप से बहुत मजबूत होते हैं। ये अलग बात है, कभी कभी लंबा समय होता है, लोग परिवर्तन चाहते हैं, उस परिवर्तन के तहत झूठे नारे, झूठे भाषण और झूठे स्लोगन पर कांग्रेस हारी थी। आज इस बात का लोगों को एहसास हो गया है कि जो भी नारे भारतीय जनता पार्टी के अगुवाई वाले मोदी जी की नेतृत्व सरकारों में पार्टी ने दिया था उसमें एक भी नहीं पूरा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का स्लोगन था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार नहीं हुआ। बहुत हुआ महंगाई, महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार नहीं हुआ। इनकी नेता सुषमा स्वराज कहती थी डॉलर का रेट बढ़ रहा है, रुपया गिर रहा है, प्रधानमंत्री गरिमा गिर रही है। अगर देखें तो प्रधानमंत्री जी ने अपनी गरिमा के अनुरूप एक भी कार्य नहीं किया है, एक भी वादा पूरा नहीं किया है। पाकिस्तान के खिलाफ भाषण देते थे, पाकिस्तान बिना बुलाए देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री थे जिन्होंने खुद को फौज फौज कर जाके वहाँ किया। जब कांग्रेस ने सत्ता छोड़ी थी हिंदुस्तान की जो रैंकिंग थी देश के 34 रोजगार देने वाले देशों में शामिल था, आज 17वें नंबर पहुंच गया है बेरोजगारी के मामले में। चीन हमसे 9 अंक पीछे था, हम 9 प्रमुख देशों में थे, आज चीन से बहुत पीछे हो गए क्योंकि हमारा मुकाबला सिर्फ चीन से है। तो डोकलाम की बात हम तेजी करते थे, महंगाई की बात करते थे, हर मुद्दे पर फेल है। आज देश में स्थापित हो चुका है भारतीय जनता पार्टी के लाखों रुपया मोदी जी की पर्सनैलिटी पर खर्च करने में, करोड़ों रुपया राहुल गांधी जी के खिलाफ मुद्दा करने में खर्च करने में, उसका कोई लाभ नहीं हुआ। 2019 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, भारतीय जनता पार्टी की 150 सीटें उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात से थी। 150 सीटें में भारतीय जनता पार्टी 50 सीट भी नहीं पाने वाली है। पूरे देश में हर प्रांत में सीटें घटेंगी, कांग्रेस मजबूती के साथ राहुल गांधी की अगुवाई में सरकार बनेगी। सर गठबंधन का चुनाव लड़ेंगे या फिर अलग? देखिए वर्तमान परिवेश में गठबंधन एक महत्वपूर्ण हमारे कई काम में कई समय समय पर चीजें तय होती हैं। हम किन प्रदेशों में किन परिस्थितियों में गठबंधन करते हैं, जहाँ तक आपका कैसा मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के लिए होगी। मैं सिर्फ एक बात कहूँगा, 2009 के मुकाबले जो मुकाबला 2000 मैंने पहले कहा 2014 का चुनाव सर्वसम्मत का था, जो परिणाम 2009 के थे, कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश नंबर एक की पार्टी थी, 2019 में भी उत्तर प्रदेश में नंबर एक की पार्टी होगी कांग्रेस। गठबंधन किससे होगा, गठबंधन के कौन कौन लोग शामिल होंगे, ये अभी समय है हमारे से जो तय करेगा। उत्तर प्रदेश योगी के शासन को आप क्या कहेंगे, मुन्ना बजरंगी की हत्या हो जाती है इससे? इस प्रदेश में बहुत सारे अपराधियों की हत्याएं हुई, लेकिन हत्याओं का जो तरीका है, भले उन्हें द्विवेदी के विधायक हम लोग जहाँ निवास करते हैं उन विधायक निवासों में चोरी होने लगी, डकैती होने लगी, योगी जी के घर सामने हत्याएं होने लगी, बलात्कार होने लगे, उत्तर प्रदेश की जेलों में हत्याएं हो रही हैं, जहाँ पर ऑक्सीजन पहुँचनी चाहिए गोरखपुर वहाँ ऑक्सीजन न पहुँच पाने के कारण मौत होती है, जहाँ पर हथियार नहीं पहुँचने चाहिए वहाँ हथियार पहुँच जाने के कारण मौत होती है। तो अगर
अगर मुझे नंबर देना हो योगी सरकार को, योगी सरकार को अभी तक एक भी काम भाषण और अफवाह छोड़कर नहीं किया है। उत्तर प्रदेश की जेल और विधानमंडल का सबसे स्थान होते हैं। उमेश द्विवेदी जी याद होगा, उत्तर प्रदेश के विधानमंडल में पीछे की खबर मिलती है, आपने देखा होगा। जेल सुरक्षित नहीं, विधायक दिवस सुरक्षित नहीं, मुख्यमंत्री आवास सुरक्षित नहीं, विधानमंडल सुरक्षित नहीं, उत्तर प्रदेश के लोगों किसानों के खेत सुरक्षित नहीं है, उत्तर प्रदेश के नौजवानों के रोजगार सुरक्षित नहीं है। तो नंबर देखने का सवाल नहीं उठता, मुझे लगता है जिनका काफी जाते रहा है कि नहीं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे हिंदुस्तान की आवाज़ यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिल सके, जो कि बिल्कुल मुफ्त है।